नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जियोग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है यहाँ से। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन कौन सा है भाई, क्वेश्चन ऐसा है कौन सा जो हमारे एग्जाम में भाई आने ही वाला है। तो बात करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख विचारधाराओं का संक्षिप्त, क्या करना है भाई, वर्णन करना है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अपना। बात करते हैं अथवा में आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि बैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की क्या करना है, समालोचना कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैगनर से बहुत बनता है एग्जाम में आपके, कि बैगनर की जो विस्थापन संबंधी सिद्धांत है उसकी व्याख्या कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दो देखेंगे, दो ओनली दो। ठीक है, ओनली दो देखेंगे यहां पर। तो बात करते हैं, पहला तो हम देखेंगे बैगनर का और दूसरा हो जाएगा महू का। ठीक है, दोनों का यहां पर सिद्धांत देखने वाले हैं। तो आज बात करते हैं, पहले उत्तर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, किसकी ओर बढ़ते हैं भाई, उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो पहली जो हेडिंग हमारी कौन सी पड़ेगी, महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति। यह हमने हेडिंग क्या डाल दी, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन यूनिट नंबर वन के क्वेश्चन नंबर वन का उत्तर। तो उसे दो लाइनों से बंद कर देंगे, उसके बाद साइड में लिखेंगे उत्तर। पहली हेडिंग हमारी कौन सी पड़ेगी, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति। जैसे कि यहां पर लिख रखा है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति, हमारी पहली हेडिंग पड़ गई। अब उसके बारे में लिखेंगे हम थ्योरी आगे। ठीक है, थ्योरी कहां से स्टार्ट होगी, यहां से। देखो, पृथ्वी का निर्माण जल एवं थल के संयोग से हुआ है। आपको पता है पृथ्वी का निर्माण किससे है, जल और थल से, है ना। आगे देखिएगा, इन्हें महासागर एवं महाद्वीप कहते हैं। जो जल है, जिस भाग में जल है उसे क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं महासागर। और जहां पर है थल उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप, है ना, बिल्कुल। तो बात करते हैं, कहते हैं फिर क्या है तुम्हारा, सैलिसबरी के अनुसार, किसके, सैलिसबरी के अनुसार। नाम याद ना हो फिर भी लिख सकते हो, विद्वान के अनुसार, क्या, विद्वान के अनुसार भू आकृति के उच्चावच को तीन भागों में बांटा जा सकता है। नाम याद ना हो वैज्ञानिक का, मान सकते हैं इन्होंने जिसने दिया है उनका नाम याद नहीं है, तो भी हम लिख सकते हैं निम्न के अनुसार। नाम ना याद है तो हम लिख सकते हैं, अगर याद है सैलिसबरी याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, सैलिसबरी या फिर निम्न विद्वान के अनुसार भू आकृति के उच्चावच को तीन भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम प्रकार के उच्चावच में सबसे बड़े आकार वाले महाद्वीप एवं महासागर आते हैं, सबसे बड़े आकार वाले। ठीक है, जिनका कुल क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, किनका है, कितना है भाई, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इनमें से 71% पे क्या होता है भाई, जल होता है। 71% भाग पर क्या है, महासागर। अगर पृथ्वी की बात करेंगे यहां पर भी 71% पे क्या है, महासागर है। और 29% भाग पर अपना क्या है, महाद्वीपीय विस्तार है, मतलब थल है। ठीक है, बात करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति की भांति महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति भी विवादास्पद है। तो इनका भी कंफर्म नहीं है, पूरी तरीका से कंफर्म नहीं है, सिर्फ क्या निगाही है, माइंड। ठीक है, बिल्कुल। तो अब भी क्या है, ये विवादास्पद है। फिर देखा, इस संबंध में अनेक विद्वानों ने अपने मत एवं विचार प्रस्तुत किए हैं। इन सिद्धांतों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। अब ये कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं, महासागर और महाद्वीपों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। तो पहला देखते हैं, उतना तो आराम से लिख दोगे ना, पृथ्वी तथा सॉरी महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हमने हेडिंग डाली थी, उसके बारे में आराम से हमने लिख दिया। आप लिख सकते हो कि 71% पे क्या है, जल है। 29% पे क्या है, भूभाग है। ठीक है, महाद्वीप है। बात करते हैं आगे की ओर, पहला दे रखा है किसके आधार पर, कौन किसके आधार पर सिद्धांतों को वर्ग में बांटा गया है। पहला हो जाता है पृथ्वी के संकुचन संबंधी सिद्धांत। संकुचन मतलब पृथ्वी के संकुचन से, सिकुड़ने से किसका निर्माण हुआ, महाद्वीप और महासागरों का। तो यहां पर पहला हो जाता है पृथ्वी के संकुचन से संबंधी सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत कौन सा है संकुचन संबंधित, वो हो जाता है लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत।
ये आपके एमसीक्यू में बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनते हैं भाई? एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी के संकुचन संबंधी सिद्धांत जिससे महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति होती है इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है, आपको याद होना चाहिए। पहला हो जाएगा लोथियन ग्रीन का चतुष्फलक सिद्धांत, ये किससे है? संकुचन संबंधी। और लैपबर्थ एवं लब का सिद्धांत, ये भी किससे है? संकुचन संबंधी। और जेफरे का तृतीय संकुचन सिद्धांत, तो संकुचन यहां पे लिखा हुआ ही है, तो किससे हो जाएगा? संकुचन संबंधी सिद्धांत हो जाएगा। याद हो जाएंगे ना? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले की ओर। तो सेकंड सिद्धांत किस बर्फ पर आधारित है? तो वो हो जाते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। किसके? महाद्वीपीय विस्थापन, मतलब विस्थापन की बात हो रही है, फैलाव की बात हो रही है, ठीक है। तो महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी सिद्धांत कौन कौन से हो जाते हैं? पहला हो जाता है बैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसको हम देखने वाले हैं। और दूसरा हो जाता है टेलर का महाद्वीपीय प्रभा सिद्धांत। और अपना तीसरा हो जाता है होम्स का संवहन धारा सिद्धांत, इसको भी हम देखने वाले हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हो जाता है बैगनर का और एक हो जाता है होम्स का, तो दोनों के दोनों हम यहां पर देखने वाले हैं। मगर आपको याद होना चाहिए संकुचन सिद्धांत कौन कौन से हैं और विस्थापन सिद्धांत कौन कौन से, इन्हीं में से क्वेश्चन बनता है। छह है यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे छह में से, ठीक है, जो आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। बात करते हैं आगे की ओर। ये ज्यादा देखने को नहीं मिलते अन्य विचारधाराओं के सिद्धांत जो होते हैं, इनसे कोई रिलेटेड नहीं है, इनसे कोई मतलब भी नहीं है। आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं। तो पहला दे रखा है अन्य विचारधाराओं से संबंधित सिद्धांत। तो डेली का महाद्वीपीय स्खलन सिद्धांत, महाद्वीप का स्खलन हुआ और क्या निर्माण हुआ? महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महासागरों का निर्माण हुआ। फिर बात करते हैं, सेकेंड हो जाता है ग्रेगरी का स्थल सेतु सिद्धांत, ठीक है, आगे देखिएगा। और दे रखा है अपना जॉली का रेडियोएक्टिविटी पर आधारित सिद्धांत। और चौथा हो जाता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पर आधारित नवीनतम विचार, ठीक है। ये आप याद करना चाहो तो कर लो, वरना ना याद करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपको संकुचन और विस्थापन वाले छह की छह याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं आगे की ओर। अब हम देखेंगे बैगनर का सिद्धांत, जो किससे संबंधित है? विस्थापन से संबंधित है। इससे है विस्थापन, नाम में ही छुपा हुआ है, तो कोई चिंता ही नहीं है इसमें, है ना। तो बात करते हैं बैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत, ठीक है, हमने डाल दी हेडिंग, कौन सा? बैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो बात करते हैं, थोड़ा सा उधर करते हैं इससे पहले, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो बात करते हैं, पहले देखा है प्रोफेसर अल्फ्रेड बैगनर, जो बैगनर है वो कहाँ के हैं? जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायु वेत्ता हैं। कौन हैं? ये एक जलवायु वेत्ता थे, इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1912 में किया। यद्यपि स्नाडर और टेलर ने इस विचार की प्रारंभिक रूपरेखा जो थी वो 1885 से 1910 के मध्य ही प्रस्तुत कर दी थी। इनसे पहले जो हमारे बैगनर हैं, इनसे पहले आए थे स्नाडर और टेलर, इनने यह जो सिद्धांत था पहले ही इसके विचार वगैरह सारे कुछ रूपरेखा तैयार कर दी थी, इन्होंने तो सिर्फ उसे आगे बढ़ाया था बैगनर ने, ठीक है। तो बात करते हैं, परंतु बैगनर महोदय ने 1914 में अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक थी कौन सी? डाई एंस्टहंग डर कॉन्टिनेंट एंड ओजेकैन, ठीक है, ओजेकैन में इस विचारधारा का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया, ठीक है। इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बुक का नाम याद कर लेना, ये किस में बनेगा? एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा भाई? एमसीक्यू क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं, जिसमें 1915 से लेकर 1920 तक अनेक संशोधन प्रस्तुत किए, परंतु 1924 में अंग्रेजी अनुवाद के पश्चात यह सिद्धांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि अंग्रेजी वाद हम हो गया था, ठीक है। अब बात करते हैं सिद्धांत की रूपरेखा, आप क्या देखेंगे सिद्धांत की रूपरेखा के बारे में। तो आपको यहां से यहां तक क्या याद करना है? इतना कुछ नहीं याद कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वही याद करना पड़ेगा जो आपको याद करना है। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड नोबल कहां कहते हैं भाई? जलवायु बेता थे, कन्फर्म है। कहां कहते हैं? जर्मनी। जा से जल याद कर लेना और जा से जर्मनी याद कर लेना, तो जलवायु बेता याद हो गए और जर्मनी के रहने वाले हैं, ये भी हमें याद हो गए, ठीक है। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, या तो नाम में है ही विस्थापन का सिद्धांत, याद हो गया ना। 1912 में इनकी बुक कौन सी? बुक का नाम याद कर लेना, ये वाली, ठीक है, डाई एंस्टहंग डर कॉन्टिनेंट एंड
ओजे कैन, इसको याद कर लेना, ये बुक किसकी है, इसमें इन्होंने वर्णन किया था इसका, ठीक है। 1924 में अंग्रेजी अनुवाद के पश्चात ये सिद्धांत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था, और ये दिया किसने था पहले, स्नाडर और टेलर ने, बस इतना याद करना है, बाकी सन छोड़ देना, ठीक है, जो मैंने बताया बस इतना ही याद करना है। आगे बढ़ते हैं, वरना ज्यादा तुम याद नहीं कर पाओगे और एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे। बात करते हैं सिद्धांत की रूपरेखा, सिद्धांत की रूपरेखा है क्या, इसके बारे में ध्यान से देखेंगे। तो बात करते हैं विश्व में जलवायु परिवर्तन का सूक्ष्म अध्ययन करते समय वैगनर ने दो विकल्पों को ध्यान में रखा। वैगनर के दिमाग में कौन से विकल्प आए, दो विकल्प आए कि जो महाद्वीप महासागर हैं वो किस प्रकार से अलग हुए होंगे। तो पहला विचार जो आया था मैडम वो आया कि महाद्वीप तो स्थिर रहे होंगे, जो महाद्वीप हैं वो कैसे रहे होंगे, स्थिर रहे होंगे, और जो अपनी जलवायु कटिबंध हैं मतलब जो महासागर हैं वो परिवर्तित हुए होंगे। एक तो ये बन सकता है ना, एक माइंड में ये विचार आया। और जो दूसरा विचार आया था वो आया था जलवायु कटिबंध स्थिर रहे होंगे, मतलब जो महासागर है वो तो स्थिर रहा होगा परंतु महाद्वीप विस्थापन हुए होंगे, महाद्वीप इधर से उधर हुए होंगे। या तो हो सकता है कि जलवायु कटिबंध इधर उधर हुआ हो, परिवर्तन हुआ हो, या फिर महाद्वीप विस्थापन हुए हों। तो यहां पर दे क्या रखा है, विस्थापन का सिद्धांत, तो विस्थापित हुए होंगे कौन, महाद्वीप। तो पहले वाले को उन्होंने फॉलो नहीं किया, सेकंड वालों को क्या करिया उन्होंने भाई फॉलो किया, इसीलिए वैगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, बात करते हैं यहां पर, तो दूसरे वाले उन्होंने फोकस किया कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहेगा तथा महाद्वीप विस्थापन होंगे, तो वैगनर ने दूसरे विकल्प को चुना, बताया ना अभी दूसरे विकल्प चुना था, तो वैगनर ने दूसरे विकल्प को चुना जिसके लिए संसार का मानचित्र बनाया, जिसके लिए क्या बनाया था उन्होंने, एक संसार का मानचित्र बनाया जो आगे हम देखने वाले हैं, तथा रेखा की दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तट को, किसके, यहां से याद करना पड़ेगा आपके लिए, दक्षिण अमेरिका के ब्राजील तट को अफ्रीका के गिनी तट से, किसके, अफ्रीका के गिनी तट पर भली भांति प्रकार से सटाया जा सकता है, मतलब ये दूसरे के द्वीप मिल सकते हैं। फिर दे रखा है इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका को यूरोप के पश्चिम तट को भी सटाया जा सकता है। यही नहीं, दोनों तटों पर भूवैज्ञानिक संरचना जीवाश्म जो होते हैं जीवों तथा वनस्पतियों के भी क्या है, समानता है, मतलब समानता मिली है और है। बात करते हैं सिद्धांत की रूपरेखा, अब क्या देखेंगे, सिद्धांत की रूपरेखा, इसको देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने देखी सिद्धांत की रूपरेखा ऊपरी ऊपरी पढ़ी, कैसे ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया कि हाँ ये जो सिद्धांत दिया है किस पर निर्भर है, कि एक पूरा की पूरा महाद्वीप था, टुकड़े हुए इधर उधर बट गए। अब यहां पर कुछ समानता देखने को मिली, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका का ब्राजील तट जो है वो अफ्रीका के गिनी तट से अलग हुआ होगा, ऐसे सांचे यहां पर मिले हैं। और सेकंड वाले की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के पश्चिम तट जो है एक दूसरे से समानता रखते हैं, ये एक दूसरे से अलग हुए होंगे, है ना, यहां पर यह दर्शाया गया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं फिर, बिल्कुल, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सिद्धांत की रूपरेखा, ये सेकंड वाली, अब हम क्या देखेंगे, डीपली देखेंगे सिद्धांत की रूपरेखा। तो बात करते हैं उपयुक्त तथ्यों के आधार पर वैगनर महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुराजीवकल्प मतलब क्या देखा था, पुरा कैम्बियम कल्प देखा था हमने इससे पहले, बिल्कुल। तो भैया पुराजीवकल्प में सभी महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप जो है, जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे कहाँ पर है, ये पश्चिम में है ना, सॉरी दक्षिण और पूर्व में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, आपको जानते हो है ना, अंडमान निकोबार द्वीप। तो पहले ये द्वीप नहीं थे, पहले सभी जो पृथ्वी थी वो बिल्कुल एक थी, मतलब भूखंड एक था और जल अलग था, कुछ विस्थापन हुए और अलग अलग बट गए, ठीक है। वही यहाँ पर देखा है कि पूरा जीवकल्प में सभी महाद्वीप परस्पर जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। फिर देखा है पृथ्वी पर एक विशाल महाद्वीप जिसको पैंजिया कहा गया, विशाल महाद्वीप मतलब ये पृथ्वी है और इस पर एक द्वीप है और बाकी सब क्या है, जल है। पहले सिर्फ एक ही ये मान सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, जैसे भी मान सकते हो, वहाँ मान सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा की पूरा एक द्वीप था, ये नहीं कि अलग अलग देश बने हुए थे और द्वीप अलग अलग थे, ठीक है, एक ही द्वीप था और चारों तरफ क्या थे, जल थे, यही दे रखा है, जिसे क्या कहते थे, पैंजिया कहते थे, पैंजिया कहा गया। विस्तृत महासागर,
पैंथालासा विस्तृत जो महासागर था, बाकी जो है वो क्या था, पैंथालासा जो हम आगे देखने वाले हैं, विस्तृत महासागर को पैंथालासा मतलब बाकी जो जल जो भूमि बची है, जो जल बचा है, जो महासागर है वो क्या कहते थे, उसे हम पैंथालासा पर तैर रहा था। कौन तैर रहा था, पैंजिया। पैंजिया जो था महाद्वीप, जो था पैंजिया बहुत बड़ा महाद्वीप, विशाल महाद्वीप, वो किस पर तैर रहा था, पैंथालासा पर तैर रहा था। पैंजिया हल्के सियोल से तथा, बिल्कुल ये देखिएगा, ये देखिएगा यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं अभी, ठीक है। देखो बात करते हैं, ये है पैंजिया। पैंजिया क्या है, ये वाला भाग क्या है, पैंजिया, एक विशाल महाद्वीप जो पूरा विश्व का ये हमारा चित्र है, ठीक, गोल, और बात पृथ्वी का जो गोल है, और पैंथालासा क्या है, ये देखिएगा सारा की सारा समुद्र, ये सब की क्या है, पैंथालासा है। और ये किस पर तैर रहा है भाई, पैंथालासा के ऊपर कौन तैर रहा है, पैंजिया, ये देखिएगा ये तैर रहा है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो पैंथालासा पानी वाला हो जाएगा और पैंजिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, ये महासागर हो गया बहुत बड़ा। इतना समझ में आ गया होगा आपके लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चित्र वैगनर का, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत यहां पर दर्शाया गया है। देखो थोड़ा सा और पढ़ लें इसके डीपली थोड़ा सा, ठीक है। तो बात करते हैं, यहाँ देखो ये हो जाता है उत्तरी अमेरिका, उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये हो गया अपना उत्तरी अमेरिका, और ये ग्रीनलैंड देखो यहाँ पर है, यूरोप यहाँ पर है, भारत यहाँ पर हो गया, एशिया इस साइड में हो गया, अफ्रीका बीच में हो जाता है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और ये अंटार्क्टिका हो जाता है अपना, ठीक है। तो इतना आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना इसके लिए, क्योंकि आगे समझ में आएगा, ये आगे काम में आएगा तभी आपके समझ में आएगा ये, ठीक है। तो बात करते हैं आगे की, बढ़ते हैं, फिर अपना देखा है पैंथालासा संगणन सीमा से बना था, जो पैंथालासा है ये जल जो है वो कैसा, संगणन सीमा से बना था। इसके मध्य में कौन था, टेथिस, इसके मध्य में बीच में क्या था, टेथिस नामक उथला सागर स्थित था। उथला सागर जिस पर कौन तैर रहा था, पैंजिया तैर रहा था, जिस पर पैंजिया तैर रहा था उसके नीचे कौन था, उथला सागर था, इसे टेथिस नामक, टेथिस नाम दिया गया। टेथिस के ऊपर कौन तैर रहा था भाई, पैंजिया, ठीक है, क्योंकि टेथिस कहां पे है, मध्य में है, तो इसके मध्य टेथिस नामक एक उथला सागर स्थित था, जिसके ऊपर कौन था, अंगारा लैंड भूखंड स्थित था। अंगारा लैंड क्या था, भूखंड स्थित था, जो मुख्यतः एशिया उत्तरी अमेरिका में विभक्त था। यहां पर देखो वही दे रखा है यहां पर, ठीक है, जो हमने पढ़ा था क्या, अंकारा लैंड भूखंड स्थित था, ये क्या हो गया, अंकारा लैंड हो गया, जो मुख्यतः क्या हो गया, ये देखो यूरेशिया, यूरोप, एशिया, है ना, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका बाकी विभक्त था, इसमें क्या था, ये विभक्त था, ठीक है, अंगारा लैंड विभक्त था। फिर देखा है टेथिस के दक्षिण में गोंडवाना लैंड, टेथिस के जो दक्षिण था नीचे की वो क्या था, गोंडवाना लैंड स्थित था। इसमें दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका परस्पर जुड़े हुए थे। वही दे रखा है जो ऊपर दे रखा है, ठीक है, आपको इतना याद करना पड़ेगा, चित्र में जो चीज दे रखी है वो आपको याद करनी पड़ेगी। और आपको नोट्स कहां से मिलेगा, नोट्स मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं अंटार्कटिका परस्पर जुड़े हुए थे, कार्बोनिफेरस युग जो था, आपको पता है कार्बोनिफेरस मैंने पढ़ा रखा है युग, अगर आपने समय वाली नहीं देखी है वीडियो तो वो देख लेना जाके, बहुत कामयाब आएगी आगे, ठीक है, क्योंकि वो इसलिए यूनिट दे रखी है पहली, जो कि आगे वह कामयाब आने वाली है। वही दे रखा है यहां पर, कहां पहुंच गए थे, देखो और रुकिएगा थोड़ा सा, हाँ वो देखो कार्बोनिफेरस युग में पहुंच गए थे, युग हमने पढ़ा था ना कार्बोनिफेरस, आपको बताया था मैंने, तो कार्बोनिफेरस के अंत में पंजिया टूटा, जब कार्बोनिफेरस का अंत हुआ तो क्या हुआ, फिर पंजिया टूटा, जो पंजिया विशाल महाद्वीप था ये टूटा, और महाद्वीपों का विस्थापन विषुवत रेखा की ओर, कहां पर, जो महाद्वीप थे उनका विस्थापन किधर हुआ, विषुवत रेखा की ओर, गुरुत्वाकर्षण केंद्र एवं महाद्वीपों की पलवनशीलता के केंद्र पर आधारित था, है ना, बिल्कुल। किसके विस्थापन कहां हुआ, विषुवत रेखा की ओर, गुरुत्वाकर्षण केंद्र के कारण, ठीक है, बात करते हैं केंद्र पर आधारित था, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी जो विस्थापन था वो चंद्रमा के ज्वारीय शक्ति पर आधारित था।
जो पश्चिम की ओर था महाद्वीपों का विस्थापन, वो चंद्रमा की ज्वारी शक्ति पर आधारित था। जुरासिक युग, मैंने दे रखा है ना जुरासिक युग, जिसमें क्या आए थे डायनासोर वगैरह, जुरासिक युग में पुनः विस्थापन के कारण महाद्वीप एवं महासागरों का वास्तविक रूप सामने आया। किसका आया था? जब जुरासिक युग आया था, आपको देख रखा है जुरासिक युग, मैंने पढ़ा रखा है जुरासिक में कौन आए थे, डायनासोर वगैरह आए थे, है ना। उसके बाद क्रेटेक्स आया था, है ना। उसके बाद वो उड़ने वाले डायनासोर आए थे, उससे पहले जुरासिक युग की बात हो रही है। जुरासिक युग में पुनः विस्थापन हुआ, आपको पता है उथल पुथल हुई थी धरती पर जब जुरासिक का अंत हुआ था, क्योंकि दबे हुए साक्ष्य वह मिलते हैं। तो जुरासिक में पुनः विस्थापन के कारण महाद्वीप एवं महासागरों का विकास वास्तविक स्वरूप, वास्तविक जो रूप था वो क्या आया, सामने आया। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था वैगनर ने, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है ना। ये जो चित्र है, ये जो चित्र है वो आपको याद करना पड़ेगा, इससे संबंधित जो थोड़े से फैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ये हो जाता है पैंजिया तैर रहा था, किस पर तैर रहा था, पैंथालासा पर। मध्य में कौन सा स्थित था, महासागर टेथिस था, जिस पर कौन सा एक गा जो अंगारा लैंड था वो तैर रहा था महाद्वीप, ठीक है। और इसमें ये बाकी सारे जो होते हैं जो मैंने इस पर दर्शाए गए हैं वो स्थित थे, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही कार्बोनिफेरस युग आया, उसके बाद पंजिया जो था वो क्या हुआ, टूट गया और महाद्वीप व्यक्त हो गया। कुछ तो विषुवत रेखा की ओर गए और कुछ जो पश्चिम की ओर गए थे वो किसके कारण गए थे, चंद्रमा के ज्वारी केंद्र के ज्वारी शक्ति के कारण आधारित हुए। और जब जुरासिक युग आया, उसमें पुनः विस्थापन हुआ, विस्थापन के कारण महासागर और महाद्वीपों की जो वास्तविक स्वरूप था, जो वास्तविक स्वरूप है इस समय, वो क्या आया, सामने आया, है ना। बिल्कुल आराम से पढ़ सकते, कुछ नहीं है इसमें। फिर बात करते हैं सिद्धांत के बारे में, सिद्धांत के प्रमाण, ठीक है भाई। अब देखेंगे हम सिद्धांत के प्रमाण कौन कौन से हैं। पहले वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। तो वैगनर के सिद्धांत के अनुसार कुछ प्रमाण भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम यहां पर देखने वाले हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि सिद्धांत के प्रमाण कौन कौन से हैं और आलोचनाएं कौन कौन सी हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रमाण पहला देखेंगे हम, वैगनर के मतानुसार जो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक समारूपता जो है वो पाई जाती है। जो अटलांटिक महासागर है उनके दोनों तटों पर क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है भौगोलिक, दोनों ओर के तट परस्पर सटाए जा सकते हैं। ध्यान रखना, एक ये याद कर लो, अंटार्कटिक महासागर के दोनों तट क्या हो सकते हैं, सटाए जा सकते हैं, यह समानता देखने को मिलती है। पहली हेडिंग याद हो गई भाई, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सेकंड वाले की बात करते हैं, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर अन्य अंध महासागर जो है कौन सा है, अंध महासागर के दोनों तटों पर क्या चीज पाई जा रही है, कैलिडोनियम और क्या है ये, हर्सिनियम, हलचलों के पर्वत एवं संरचना पाई जाती है। तो आप कुछ मत करो, पर्वतों एवं संरचना पाई जाती है, सीधे लिख देना कि जो अंध महासागर है उनके दोनों तटों पर, जैसे कि यहां पर अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक समानता पाई जाती है, यहां पर भी लिख देना अंध महासागर के भी तटों पर भौगोलिक समानता पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। दो याद हो गए हमें, बस आपको ये याद करना है, याद करना है यहां पर अंटार्कटिक याद कर लो और यहां पर अंध महासागर याद कर लो, दोनों में एक ही चीज लिख सकते हो। बात करते हैं थर्ड वाला, चार तो आपको लिखनी ही पड़ेंगी, ध्यान रखना बहुत सारी है मगर चार तो लिखना ही लिखना है, याद करना ही करना है। थर्ड वाले की बात करते हैं, ब्राजील दक्षिणी अफ्रीका प्राय महाद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया का प्राचीनतम पठारों की भूवैज्ञानिक संरचना लगभग समान थी। देखो ध्यान से इसके लिए, जो ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है और प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है, इसके प्राचीनतम पठारों की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो लगभग कैसी है, समान है। याद करो तो याद कर सकते हो, बाकी और भी हेडिंग बाकी है उनको भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं चौथा दे रखा है, जो अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर क्या है ये, देखो मेसोसोरम तथा परिसर्प एवं ग्लोटोप्टेरिस वनस्पति के जीवाश्म की उत्पत्ति दोनों तटों के अतीत से जुड़े होने का प्रमाण है। इसको भी वहीं जोड़ देना, मत लिखना, ये याद ना हो तो मत लिखना और याद कर सको तो कर लेना, ठीक है भाई। डाक लिख सकते हो यहां पर भी, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर भी भौगोलिक तथा जीवाश्मों में समानता देखने को मिलती है, बस इतना लिख देना यहां पर, जीवाश्म और याद कर लेना, कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है, जीवाश्म गदगद खुद आ जाएंगे ये, ठीक है। तो यहां पर तीन याद हो गए आपके लिए, इजी वाले बता रहा हूं जो आप याद कर सको। देखो बात करते हैं अब यहां पर फाइव वाले की,
तीन तो आपको याद हो ही गए, चौथा याद कर लो। देखा है कार्बोनिफेरस युग में हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड, दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाना अतीत के इसके परस्पर जुड़े होने का प्रमाण है। याद ना हो तो छोड़ दो इसके लिए, और भी है बाकी यार, और भी याद कर सकते हो, है ना। फिर बात करते हैं स्किन जो है अपना स्कैंडिनेविया में विशिष्ट लैमिंग जीव पश्चिम की ओर यात्रा करते हुए अटलांटिक महासागर में डूब जाते हैं। इन जीवों को यह प्रवृत्ति इस बात का सूचक है कि प्राचीन काल में वे किसी भूखंड की ओर पलायन करते होंगे। ठीक है, ये आप बनाकर लिख सकते हो इसके लिए। ठीक है, बस नाम याद करना है यहां पर स्कैंडिनेविया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देख लो सेवन वाला, और तीन तो याद हो ही गए कन्फर्म। ठीक है, एक तो याद बनाकर भी लिख सकते हो आप, ठीक है, वरना याद कर ही सकते हो ये भी। फिर बात करते हैं अन्वेषण पर आधारित यह सूचना कि ग्रीनलैंड द्वीप 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर खिसक रहा है, ये याद कर लो, ये इजी है। ठीक है भाई, जो अन्वेषण पर आधारित यह सूचना कि ग्रीनलैंड द्वीप है, इतना तो याद कर सकते हो, चार याद हो गए, याद करवा दिए मैंने। ठीक है, तीन तो ऊपर देख लिए और एक ये हो गया इजी वाला, सिर्फ नाम नाम याद करना है, बाकी थ्योरी खुद ले सकते हो बनाकर इसमें। यहां देखो ग्रीनलैंड द्वीप जो है वो खिसक रहा है, ग्रीनलैंड द्वीप क्या है, खिसक रहा है, विस्थापन कर रहा है, कितना 32 सेंटीमीटर प्रति वर्ष गति से पश्चिम की ओर, कहां की ओर, पश्चिम की ओर खिसक रहा है, महाद्वीपों के विस्थापन को प्रमाणित करता है। हो गए चार भाई, चार ही याद करना है, आराम से याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है वैगनर का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके देखा देंगे सिद्धांत की आलोचना कौन कौन सी हो जाती है, सिद्धांत की आलोचना देख लेते हैं। वैगनर के महाद्वीप विस्थापन के विपक्ष में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं, इनके जो आलोचनाएं हैं निम्नलिखित दी गई हैं। पहली हो जाती है ब्राजील के पूर्वी तट को गिनी की खाड़ी में सटाया जाता है तो 15 डिग्री के अंतर शेष रह जाता है, अर्थात अटलांटिक तत्वों के साक्ष जो स्थापन है वो त्रुटियां रही हैं। याद कर लो, देखो बही वाला दे रखा है, ये बही है अटलांटिक महासागर जो हम देखा था कि तटों में समानता पाई जाती है, यहां बता दी 15 डिग्री सेल्सियस में अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है, वहीं से याद हो गया, यहां सिर्फ 15 याद करना है बस, वहां समानता देखने को मिल रही थी तटों में और यहां पर 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, बस वहीं पे लिखना है, काम हो गया ना, एक याद हो गई। आगे देखो अटलांटिक महासागर के मध्य में पाई जाने वाली कटक दोनों तटों के सामान्य विस्थापन में सबसे बड़ी बाधा है, कौन सी है भाई, कटक, तो इसको भी याद हो गया, वहीं से याद हो गया। देखो वहां पर क्या मिल रही थी, अटलांटिक महासागर के दोनों तटों में समानता देखने को मिल रही थी भौगोलिक, ठीक है, और यहां पर क्या हो गई, कटक जो है कटक समानता नहीं दर्शाता है, थोड़ी सी बात याद करना है बस, कटक, कटक जो है दोनों तटों में समानता दर्शाता नहीं है, दो याद हो गए, आलोचना भी याद हो गई, विशेषता भी याद हो गई। अब देखो आगे की ओर थर्ड वाला, सारे के सारे याद कराते जा रहा हूं, थर्ड वाले की बात करते हैं, इसको देखना है। देखा है महाद्वीप विस्थापन के लिए जिस शक्ति की कल्पना की जाती है, ये तो याद कर सकते हो आराम से खुद, महाद्वीप विस्थापन के लिए जिस शक्ति की कल्पना की जाती है वह इतने विशाल महाद्वीप के विस्थापन के लिए पर्याप्त नहीं है। जो भी शक्ति की कल्पना की जा रही है, ज्वारीय शक्ति की कल्पना की जा रही है, केंद्र की कल्पना, गुरुत्वाकर्षण केंद्र की कल्पना की जा रही है, उसके जरिए क्या विस्थापन हो सकता है, तो ये कह रहा है ये पर्याप्त नहीं है, त्रुटि निकाल दी, याद हो गया ना, बिल्कुल, तो हमारा तीसरा याद होगी त्रुटि। चौथे की बात करते हैं, वैगनर ने महाद्वीप विस्थापन की दिशा केवल उत्तर और पश्चिम की ओर मानी, परंतु जो इवांस थे, इवांस के अनुसार पेंजिया विखंडित होकर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ था, तो ध्यान रखो उन्होंने क्या बताया था, ओनली उत्तर और पश्चिम की दिशा बताई थी वैगनर ने, मगर जो विस्थापन हुआ था वो किस किस ओर हुआ है, तो इवानस थे, नाम याद ना हो तो निम्न के अनुसार लिख सकते हो, या फिर वैज्ञानिक के अनुसार, वैज्ञानिकों के अनुसार पेंजिया जो है विखंडित होकर पूर्व में, दक्षिण में और पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ था। चार कमी हमें याद हो गई, चार ही लिखना है, ठीक है, बाकी और भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं पांच वाले को, देख लो पांचवे की बात करते हैं, यहां दे रखा है ग्लासोप्टेरिस, ग्लासोप्टेरिस जो वनस्पति है वैगनर के अनुसार केवल गोंडवाना क्षेत्र में ही मिलती है, परंतु टेलर के अनुसार यह वनस्पति प्रमाण कश्मीर, ईरान, अफगानिस्तान और जो है साइबेरिया में मिलती है।
यहाँ पर कह सकते हो आराम से, एक याद कर लेना कौन सी, ये वाली वनस्पति, तो एक ये भी याद हो जाता है हमारा। छठे की बात करते हैं, वैगनर ने सियोल निर्मित महाद्वीपों के अधिक सघन सीमा निर्मित तथा अंतर में तैरता हुआ बताया है, सियोल को तैरता हुआ बताया है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। विस्थापन सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति दिशा में एक महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें कमी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, तैर नहीं सकता, मतलब महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, तो इस प्रकार से यहाँ पर याद इसे कर सकते हो। तो यहाँ पर जो वैगनर का था वो तो हो गया कंप्लीट, ठीक है भाई, वैगनर का हो गया कंप्लीट, और जो नेक्स्ट होगा किसका, होम्स वाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, ठीक है, और आपको याद भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वाला देख लेंगे, इसको याद कर लेना अच्छी प्रकार से, वरना वो वाला आपको याद नहीं होगा, नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। ठीक है, तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बैगनर वाला हमने याद कर लिया, धुआंधार, ठीक है भाई, और धुआं उठा देना एग्जाम में जाके, कॉपी को भर के आना है बिल्कुल, एक एक क्वेश्चन को छीन लेंगे, ठीक है, एक एक नंबर को छीन लेंगे, एक एक क्वेश्चन करके आएंगे, है ना। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को तोड़फोड़ कर देना, नोटिफिकेशन आपके घर जाके मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।